नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू में आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं ग्रीन लैंड के बारे में हम लोग देखेंगे ग्रीन लैंड की लोकेशन कहाँ है क्या ग्रीन लैंड एक सेपरेट देश है या फिर यहाँ पे किसी और कंट्री का रूल चलता है यानी कि इज दर एनी दर कंट्री विच कंट्रोल्स ग्रीन लैंड और हम लोग बात करेंगे इन जनरल ग्रीन लैंड के बारे में और ग्रीन लैंड की जो पॉपुलेशन है जो केवल छप्पन हजार है अभी इलेक्शन होने वाला है ग्रीनलैंड में और हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स इन वर्ल्ड यानी कि इस पर्टिकुलर इलेक्शन पे जो अप्रैल में होने वाला है उसके ऊपर पूरे विश्व की नजर है स्पेशली वॉशिंगटन और बीजिंग यानी कि यूएसए और चाइना की भी नजर है इस पर्टिकुलर इलेक्शन के ऊपर तो हम लोग जानेंगे ये ऐसा क्यों हो रहा है और हम लोग इन जनरल जानेंगे ग्रीनलैंड के बारे में तैयारी तो so करें तो आप इंपॉर्टेंट द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और यहां पे दबदबा चलता है चाइना का तो इसीलिए बहुत जरूरी हो रहा है ये जो इलेक्शन होने वाला है ग्रीनलैंड में जिसका फिर से रिलेशन है रेयर अर्थ मिनरल्स एंड यूरेनियम माइनिंग के साथ तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायकर अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हो इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स विच इंक्लूड्स बोथ प्रम्स एंड मेंस आपको पता है कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकल चुका है आखिरी तारीख 24 मार्च ध्यान से फॉर्म भरिएगा और

इनका विश्वास हट गया था यानी कि इनके ऊपर से विश्वास हट गया था पार्टी का तो इनको लीडरशिप से हटा दिया गया लेकिन ने प्राइम मिनिस्टरशिप से से स्टेप डाउन होने से मना कर दिया तो जो पार्टी के इलेक्शन हुए सियमत के उसके अंदर एरिक जेनसन वहां पे लीडर बन गए राइट लेकिन जो एरिक जेनसन और किम कील्सन के बीच वाद विवाद चल रहा था चर्चा चल रही थी विद रिस्पेक्ट टू द दिनफिल्ड माइंड वो काफी ज्यादा हो गई राइट बहुत सा डिवीजन है ग्रीनफील्ड में भी बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि क्वेनफील्ड माइंस को एक्सप्लोय किया जाए जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगी ग्रीनलैंड को और बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि इससे हानि होगी क्योंकि ग्रीनलैंड का एंटायर एटमोस्फेयर इज वेरी प्योर एनवायरमेंट इज वेरी वेरी क्लीन वो चाहते हैं कि पोल्यूशन ना हो तो इसी बीच ये दोनों लीडर भी फंसे हुए गए अब इस डेवलपमेंट के बीच क्या हुआ है एक और जो पार्टनर है डेमोक्रेट्स उन्होंने पुल कर दिया डेमोक्रेट्स के लीडर है नील थॉमसन और उनके पास 6 सीटें हैं तो उन्होंने समर्थन हटा दिया अब ग्रीनलैंड की जो असेंबली है बेसिकली उसका नाम है इनाथ सिसार इनाथ सिसारतूत राइट इस इनाथ सिसारतूत में मेजोरिटी खो दी सियामुत और उनकी जो कोएलिशन पार्टनर्स थे 31 सीट का ये हाउस है जिसमें से केवल 12 सीट बच चुके हैं बेसिकली सियामुत और कंपनी के पास

क्यों ये इतना जरूरी डिस्कशन हो चुका है क्योंकि इतनी राइवलरी बढ़ चुकी है क्या है इंपॉर्टेंस इस क्वेनिफिल्ट माइंड का ये हम लोग देखने वाले हैं लेकिन उससे पहले सबसे पहले जानते हैं ग्रीनलैंड के बारे में क्योंकि ग्रीनलैंड के बारे में जानना ग्रीनलैंड की पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानना और उसके बाद क्वेनिफिल्ड पर जाएंगे तो आपको काफी सेंस भी करेगा कि एग्जैक्टली हो क्या है देखिए ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है जो आर्टिक और

नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के क्लोज है फिजियोग्राफिकली लेकिन अगर हम लोग पॉलिटिकली बात करें कल्चरली बात करें तो यूरोप के बहुत ज्यादा क्लोज है यानी कि जोग्राफिकली इट कम्स वेरी क्लोजर टू कैनेडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स बट पॉलिटिकल एंड कल्चरली इट इज क्लोजर टू यूरोप राइट तो ये है ग्रीनलैंड जो आइलैंड है जहां पे डेनमार्क का कंट्रोल है लेकिन ये ऑटोनोमस एक समझ लीजिए स्टेट है डेनमार्क का इस तरह से अब अगर हम लोग बात करें इनकी पॉलिटिकल सिस्टम की मैंने आपको बताया कि ऑटोनोमस टेरिटरी है तो डेनमार्क के संविधान में कुछ ऐसे सिस्टम है कि इनको फुल इंडिपेंडेंस भी दे सकते हैं फुल इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनली एनश्राइन उनके पास एक ऑप्शन है यानी कि ग्रीनलैंड टोटली फ्री है अपना खुद का डेवलपमेंट अपनी खुद की इंडिपेंडेंस डिसाइड करने के लिए फ्रॉम द डेनिश पीपल लेकिन अगर हम लोग आज की सिचुएशन की बात करें तो ग्रीनलैंड बहुत हद तक निर्भर रहता है डेनमार्क के ऊपर उनका जो एनुअल बजट होता है उसमें से आधे से ज्यादा ऑलमोस्ट डेनमार्क से आता है और जो ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन है वो चाहे उनको उनका कल्चर बेसिकली होता है इनविट जो ग्रीनलैंड में लोग मिलते हैं मेजोरिटी लोग इनविट कल्चर है इनविट पीपल राइट तो दे आर एंटाइटल अगर वो चाहे तो वो अपनी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी ले सकते हैं लेकिन एक ही एक क्लॉज है अगर वो अपना खर्चा उठा सकते हैं अगर वो अपनी कॉस्ट उठा सकते हैं तो दे कैन टेक एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी इवन इंडिपेंडेंस राइट सो इट्स एन अटोनोमस टेरिटरी विध वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स गिवन टू डेनमार्क लाइक द कम्युनिकेशन मनी एक्सेट्रा एटसेट्रा यहां पे भी करेंसी चलती है डैनिश क्रोन तो तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि ग्रीनलैंड चाहे तो स्वतंत्र देश बन सकता है लेकिन वहां के लोग अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए अपने खुद के फाइनेंस अगर वो कर पाए तो वेरी फाइन और एक रेफरेंडम हो जाए उसमें अगर वो पास हो जाए तो इट विल भी वेरी वेरी फाइन तो ये है उनकी अभी की अंडरस्टैंडिंग राइट right? अब इन सब का रिलेशन जुड़ा हुआ है प्रॉब्लम एरिया के साथ प्रॉब्लम एरिया है क्वेनिफिल्ट माइन मैंने आपको बताया क्वेनेफेट माइन कहां पे आता है मैं आपको थोड़ी देर में मैप में बताऊंगा लेकिन इस क्वेनेफेट माइन के साथ एक कंट्रोवर्सी जुड़ गई है ग्रीनलैंड में देखिये ये जो क्वेनिफिल्ट माइन है ये काफी रिच है इन टर्म्स ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड्स एंड यूरेनियम डिपॉजिट्स और, और, और इनफैक्ट ये पूरे विश्व में माना जाता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टी एलिमेंट डिपॉजिट है ऑल ओवर द वर्ल्ड और ग्रीनलैंडर्स जो हैं जो चाहते हैं कि हम लोग स्वतंत्र बने इंडिपेंडेंट बने वो ग्रीनलैंडर्स इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथ मानते हैं अगर क्वैनफील्ड को एक्सप्लॉयड किया जाए उससे पैसे कमाए जाए तो वो अपना खुद का खर्चा उठा सकते हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं एंड प्रोबेबली कैन गो फॉर रेफरेंडम एंड बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री बट बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं इसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा देखिए अगर वो क्वेनफेल्ड माइन की जो मेन वेन है उसको वेडर करें तो सत्रह मेन मेटल्स यहां पे मिलते हैं रेयर अर्थ मेटल्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक्स इन इन इवन टेक्नोलॉजी देन दे कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी अगर इसको एक्सप्लॉयट किया जाए और इसके ऊपर ऑलमोस्ट पिछले 15 से 20 सालों से डिस्कशन चली रहा है यानी कि पूरी ग्रीनलैंड की जो पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड है कुछ लोग चाहते हैं कि एक्सप्लॉयट करें कुछ चाहते हैं कि नहीं करें और फाइनली एक्सप्लोटेशन प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल भी दिया गया इसको लाइसेंस किया गया है ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन लैंड मिनरल्स को लेकिन आपको याद रखना है इस मिनरल्स में स्टेक है चाइना का चाइनीस शेंगे रिसोर्स का भी स्टेक है तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा विवाद छुड़ चुका है चर्चा का विषय बन चुका है कुछ लोग चाहते हैं कि यहां पे माइनिंग ना हो कुछ लोग चाहते हैं कि माइनिंग हो और इसी बीच सरकार गिर चुकी है और जो पार्टी है जो अपोज कर रही है माइनिंग को वो है इनविट राइट ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है वहां पर और अगर हम लोग ओपिनियन पोल्स की बात करें अगर हम सर्वे की बात करें तो जनवरी फरवरी के सर्वे में ये आया है कि जो अपोजिशन पार्टी है inuit, इनको मेजॉरिटी मिल सकती है इनको ये बताया गया कि दिस विल बिकम द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विथ थर्टीन सीट्स अगर अभी इलेक्शन होगा तो हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि आने वाले अप्रैल इलेक्शन में अपोजिशन पार्टी इज गोइंग टू गेट मोर नंबर ऑफ सीट्स हु अपोज माइनिंग इन क्वेनिफिल्ड माइंस

फिल्ड ग्रीनलैंड के बारे में इट हेज ह्यूज एंड ग्रीनलैंड है इसका तात्पर्य क्या निकलता है कि ग्रीनलैंड के अगर हम लोग रिसोर्सेस को एक्सप्लॉयट करेंगे तो वहां से हमें रेयर अर्थ मिनरल्स मिलेंगे और अगर हम लोग आज के सिटुएशन की बात करें आज किसका दबदबा है इस रेयर अर्थ मिनरल प्रोडक्शन में अगर हम लोग 2019 का डेटा देखें तो वहां पे आप देख सकते हो तो चाइना का पूरे वर्ल्ड में 62 परसेंट शेयर है रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोडक्शन में अब इसके चलते जितने भी एंटी चाइना देश हैं या फिर मैं कह सकता तो हूं चाइना का जो विरोधी देश है स्पेशली अगर यूएस की बात करें तो यूएस और चाइना का तो ट्रेड वॉर चल, चल चुका है ट्रंप के कार्यकाल के दौरान तो चाइना को चैलेंज करने की बातें चल रही है तो अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर डोमेन रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में तो इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीनलैंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अगर आपको याद होगा 2019 में एक बहुत ही स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ था इस क्वेनिफिल्ड प्रोजेक्ट के चलते हुए जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने ऑफर किया था कि मैं ग्रीनलैंड को खरीद लूंगा तो ग्रीनलैंडर्स ने तो यह कहा था कि इट्स तो ह्यूज ह्यूज इंसल्ट कि आप खरीदने की बातें कर रहे हो लेकिन आपको यह याद रखना है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा था क्योंकि ये जो माइनिंग प्रोजेक्ट है इसकी पोटेंशियल पता चल गई थी बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स यहां से मिल सकते हैं ऐसा अंदेशा लगाया अगर यहां पे अगर यूएस पहुंच जाए यूएस रेयर मिनरल्स खुद ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दे तो चाइना से डिपेंडेंसी काफी कम हो जाएगी अभी फिलहाल चाइना की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है प्रोडक्शन है इन टर्म्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स देखिए जो अभी के प्रेसिडेंट है जो बाइडन उन्होंने भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है जहां पे उन्होंने कहा है कि अमेरिका का खुद का जो सप्लाई चेन है उसको रेजिलिएंट बनाया जाए और डाइवर्स बना दिया है। अब इसके चलते ऑर्डर में क्लियरली कहा गया है कि सेक्रेटरी ऑफ जो डिफेंस है उनको कहा गया कि रेयर अर्थ एलिमेंट जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसके ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट कीजिएगा और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ग्रीनलैंड हैज पोटेंशियल फॉर दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट और इसीलिए ग्रीनलैंड अभी प्रायोरिटी लिस्ट पर पहुंच गया है वॉशिंगटन के इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के भी रेडार में आ चुका है हाल ही में यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है अर्सला वॉन्डरलियन उन्होंने चाइना की जो डोमिनेंस है रेयर अर्थ मिनरल्स में उसको कहा है कि नॉन सस्टेनेबल है क्योंकि चाइना का बहुत ज्यादा शेयर है रेयर अर्थ मिनरल्स के डिपार्टमेंट में तो उसके चलते उन्होंने कहा है कि डाइवर्सिफाई करने की बहुत जरूरत है तो जहां जहां रेयर अर्थ मिनरल्स है वहां पर यूरोपियन यूनियन कैन गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप सो दैट दे कैन रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना अब इस सब डेवलपमेंट के बीच हाल ही में एक रिपोर्ट आ गई है एक रिपोर्ट आई है इंटेलिजेंस अलायंस बिटवीन यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और कैनेडा डेमोक्रेसी फाइव जो कहते हैं उनको कहा है कि दे शुड बिल्ड ब्रिजेस आइलैंड विच आइलैंड ग्रीनलैंड सो दैट

ना सिर्फ यूएस ना सिर्फ चाइना पूरी दुनिया की नजर है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा इस पर्टिकुलर आर्टिक नेशन क्या होगा अगर प्रो माइनिंग पार्टीज जीत जाएंगी तो प्रोबेबली क्वेनाफेल्ड में माइनिंग चलेगी और उसे पैसा कमाएंगे और आगे चल के हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि ग्रीनलैंड खुद एक इंडिपेंडेंट देश भी बनेगा अगर वो बनेगा तो एवरीबडी विल स्टार्ट कोटिंग क्योंकि एवरीबडी नीड्स दीज रेयर अर्थ मिनरल्स तो ये इलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारी भी नजर इस पर रहेगी अगर कोई अपडेट आएगी तो हम आपको जल्द से जल्द लाते रहेंगे स्टडी आई के ऊपर दैट इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन आई होप दिस वॉज इंटरेस्टिंग फॉर यू थैंक यू वेरी मच जय हिंद